हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। तो भाई कैसे हो आप लोग? मुझे आज तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तुम्हें याद है कुछ साल पहले एक चैनल था लव फॉर गेमिंग, जिसने अपनी हनुमान वर्सेस क्रेडोस वाली वीडियो पर ये कहा था कि भाई क्रेडोस हनुमान भगवान को हरा देगा, और तुम्हारे बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे भाई इसने ऐसा करा है तो तुम भी इस पर एक वीडियो बनाओ। और मैंने बनाई भी थी, उसके बाद मैंने उसके ऊपर एक रोस्टिंग वीडियो भी बनाई, और उसके बाद तो फिर मैंने उसको बराबर रोस्ट करते रहा। उसके बाद कुछ महीनों पहले मुझ पर कमेंट आया कि भाई मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। और उसके बाद फिर मैंने रोस्टिंग करना वैसे भी छोड़ दिया था, लेकिन कुछ महीने पहले मुझे फिर से कमेंट्स आने लगे तुम्हारे कि भाई एक और बंदा है जो कि और हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू गॉड्स के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, तो तुमने मेरे को कमेंट्स करे। लेकिन उस समय मेरे पेपर चल रहे थे तो मैंने इस पर इतना ज्यादा फोकस भी नहीं करा, क्योंकि भाई पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए। लेकिन फिर पेपर के बाद वो मुझे क्या करने लगा, अपनी वीडियो का टैग करने लगा। तो मैंने कहा चलो भाई इसको एक बार देख ही लेते हैं। मैंने तुमसे उस पर वीडियो में भी कहा था, उसी रोस्टिंग वाली वीडियो में भी कहा था कि मैं इसका चैनल डिलीट करवा के भी रहूंगा। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, ज्यादा करने से क्या पता ये पैंट में शुरू कर दे। लेकिन हमें इस बात में गौर नहीं करना कि ये क्या डाल रहा है, वीडियो ज्यादा डालेगा तो भाई इसका चैनल डिलीट भी करवा देंगे, इतना तो हम कर ही सकते हैं अगर तुम सब साथ दो तो। और मैंने यार यूट्यूब को जीमेल लिखा, मैंने लिखा भाई ये बंदा कंट्रोवर्सी कर रहा है, गॉड्स के बारे में गलत सलत दिखा रहा है, और इसको सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इस पर बहुत सारी रिपोर्ट भी पड़ चुकी है, डिसलाइक से आप उसकी वीडियो को देख सकते हैं, और आप जल्दी से जल्दी इसकी वीडियो या तो डिलीट करो या फिर इसका चैनल ही बंद कर दो। और क्योंकि उसके चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज थी जो भगवान शिव और भगवान से बारे में थी, और वो भी गलत बेकार दिखा रहा था, तो उसकी वीडियो डिलीट ही हो गई। और उसने कुछ ऐसा भी डाल दिया था जिसकी वजह से उसका चैनल डिलीट होना पक्का ही था, जो बात तुम्हें पता भी होगी, तुमने मुझे बताई भी थी। तो जैसा कि तुम मुझसे कल बोल रहे थे कि भाई हम लोग जीत गए, तो सच में हम लोग जीत गए भाई। देखो ऐसे लोगों के ना औकात ऐसी दिखानी चाहिए, क्योंकि देखो ये लोग क्या अपने को हीरो समझते हैं, वो किसी और की वीडियोस को पता नहीं अपनी वीडियोस में चेप कर और अपने को हीरो दिखा रहा था, जैसे कि उसने बहुत ही बड़ा काम कर दिया है। अब उसके पास चैनल डिलीट हो चुका है, अभी पूरी तरह से तो नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ दिनों के बाद वो अपना चैनल वापस भी ला सकता है, ये यूट्यूब की पॉलिसी है। लेकिन उसको सबक तो सीख गया भाई, उसने अगर ऐसी वीडियोज डालेगा, ऐसे ऐसे कमेंट्स करेगा तो भाई उसको ऐसे ही फल मिलेगा। तो भाई देखा, तुम लोगों के सपोर्ट से हमने एक चैनल डिलीट करवा दिया, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है? तुम्हारा सपोर्ट रहा और हमने एक चैनल डिलीट करवा दिया। मैंने यूट्यूब से रिक्वेस्ट भी करी, और तुम्हारे सब तुमने रिपोर्ट भी मारा होगा बहुत सारे लोगों ने, तो भाई तुम्हारे वजह से एक चैनल डिलीट हुआ है, ये बहुत ही बड़ी बात। जो भी चैनल पे अभी नया है वो सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट की जरूरत है। अभी ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो हिंदू देवी देवताओं के बारे में बहुत ही गलत सलत बताते हैं, कुछ भी बता देते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन वॉश करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम लोग भूल जाएं सनातनी को और हम लोग कोई और धर्म अपना लें। और मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल पर फैंटेसी स्टोरीज भी डालते रहता हूँ, जैसे मैंने सबसे पहले डाल दिया लास्ट वॉर द एंड ऑफ द यूनिवर्स, जिसके मैंने दो पार्ट डाल रखे हैं, The upgrade version story of शक्तिमान, जिसके मैंने चार पार्ट अपलोड कर रखे हैं। बहुत ही जल्दी एक नई फैंटेसी स्टोरी आने वाली है, जिसको भाई फैंटेसी स्टोरी पसंद है वो चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं। और नई स्टोरी बहुत जल्द आने वाली है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा क्योंकि उसको लिखना पड़ता है पहले। तो भाई अगली वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।